सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बात आपको बताऊं, एक दिन वो था कि मुसलमानों की बस्ती में अगर कोई चीज छोड़ करके चला जाता और वो बरसों के बाद वापस आता तो देखता कि वो चीज वहीं पड़ी रहती, क्योंकि हमारे मजहब में पड़ी हुई चीज को उठाना भी जायज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे वहां पड़ी हुई चीज मिल गई, मुझे गुमशुदा चीज मिल गई। भाई तुमने उठाया क्यों? इसलिए कि जो चीज पड़ी है उसको लुकता कहते हैं, और लुकते के मसाइल ये है कि जो चीज जमीन पे पड़ी हुई मिले उसको नहीं उठाना। अब नहीं उठाने में हिकमत क्या है? आप कहेंगे यार मैं नहीं उठाऊंगा, कोई तो उठाएगा, वो जाने उसका काम जाने, आपने नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना पड़ी हुई चीज? क्यों नहीं उठाना? हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि जिसकी चीज गिर गई उसको पता चलेगा कि मेरी चीज गिर गई है, तो वो ढूंढते ढूंढते आएगा तो तुम तो उठा करके चले गए, उसको कहां मिलेगी? छोड़ दो वहीं। उठाने की एक ही सूरत है, अगर खयानतदार लोग वहां मौजूद है, खाइन लोग मौजूद है कि खा लेंगे, गजब कर लेंगे, तो आप इसलिए उठाएं कि चले मैं इसको महफूज रखूंगा। लेकिन फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी, बहुत जंजीरों में आप जकड़ गए, अब उस चीज को आप पूरे मुल्क में उसकी तशहीर करें, कर सकते हैं तो भाई ये चीज मुझे मिली है, जिसकी वो निशानी बता के ले जाएं। और अगर आप उसको मस्जिद में देना चाहें तो नहीं दे सकते, मदरसे में देना चाहें तो नहीं दे सकते, किसी गरीब पे सदका करना चाहें तो नहीं कर सकते, बस आपको उस तक पहुंचाना है, वरना कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। अलबत्ता अब वो चीज जाय होने का अंदेशा आएगी, पड़ी पड़ी जाय हो जाएगी, तब ये है आप उसको बेच दें, बेच करके आप मस्जिद मदरसे में दें, लेकिन फिर वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गया कि भाई मेरी चीज थी मुझे दे, आप कहे मैंने मस्जिद में दे दिया, कहा नहीं मैं तो तुझसे लूंगा, आप पे फर्ज है आप उसको तावान भरेंगे। क्यों उठाया था आपने? ये है पड़ी हुई चीज का।